हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑसम फूड में। और मैं कोमल आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सत्तू का लड्डू। गर्मियों के लिए बहुत ही स्पेशल लड्डू है ये, बिल्कुल ताजगी से और सेहत से खजाना है सत्तू का लड्डू। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम 1 कप घी लेंगे। घी जब अब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसमें 3 कप सत्तू को मैंने यहाँ पर छान लिया है इसे ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से घी में मिक्स करते हुए हम भूनेंगे लगभग 20 से 25 मिनट तक, ताकि सत्तू का जितना भी कच्चापन है सब पूरा ख़त्म हो जाए और बढ़िया सा ये खुशबू आने लगे, अच्छे से पक जाए। फ्रेंड्स, गर्मियों में सत्तू का खाना बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और शरीर को ठंडक देता है। तो इसलिए ये सत्तू का लड्डू आप गर्मी में बना के रख सकते हैं और आप इसे दूध के साथ या पानी के साथ या ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अब इसी तरह से हम इसे मीडियम से लो फ्लेम पर कुक करेंगे 20 से 25 मिनट तक, ताकि अच्छे से ये भुन जाए और सत्तू का जो भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे आपको इसे बहुत ही पेशेंस के साथ में भूनना है, क्योंकि अगर आपने आंच को तेज किया तो सत्तू हमारा जल सकता है। यहाँ पे मैं 1 कप में मैंने थोड़ा बचा लिया था वो अब ऐड कर रही हूँ। बस 1 ही कप घी लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है आपको। इस घी को भी अच्छे से हम सत्तू के साथ मिक्स कर देंगे। अभी आप देखो कि 10 से 12 मिनट में ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए, इसका कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया है। इसी तरह से हम लगातार चलाते हुए इसे कुक कर लेंगे, भून लेंगे। जब ये भुन जाएगा अच्छे से तो बहुत अच्छी से खुशबू आने लगती है इसमें। सत्तू की तो फ्रेग्रेंस वैसे भी अच्छी होती है, बट ये जब अच्छे से भुन जाता है तो और बढ़िया से खुशबू आने लगती है। ये देखिए फ्रेंड, अब ये अच्छे से कुक हो गया है। मैंने इसको लगभग 20 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें आगे के इन्ग्रीडियंट ऐड कर देंगे। जो हम इसमें ऐड करेंगे इसकी और भी ज़्यादा बढ़िया टेस्ट बढ़ाने के लिए, मैं यहाँ पर 1/4 कप काजू, 1/4 कप बादाम को बारीक काट लिया है उसे ऐड कर देंगे। क्योंकि हम इसे गर्मी में बना रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट इसमें नहीं ऐड करना है, क्योंकि उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है तो हो सकता है मे बी आपको नुकसान करे, इसलिए आप थोड़ा ही डालें। अब 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे इलायची का पाउडर डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक हम और भून लेंगे, ताकि हमारा जो काजू और बादाम है वो भी अच्छे से सत्तू के साथ में भुन जाए और बढ़िया सा सुनहरा सा स्वाद आए खाने में, क्रिस्पी हो जाए एकदम। इस तरह से लड्डू बनाकर आप रखोगे तो 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होगा। आप इसे बाहर भी रख सकते हैं महीनों तक, ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि सत्तू और बादाम काजू बहुत अच्छे से हमने भून लिया है। ये देखिए, एक प्लेट में मैंने इसे निकाल दिया है। अब इसे ठंडा कर लेंगे। जब यह अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें चीनी मिलाएँगे। ये देखिए, अच्छे से ये ठंडा हो गया है, 20 से 25 मिनट में ही ठंडा हो गया। अब मैं यहाँ पे ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो गुड़ का पाउडर या गुड़ या फिर खांड डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्राउन शुगर थी मेरे पास तो मैंने मिक्सी में इसे पीस लिया था, इसे ऐड कर रही हूँ। मैंने 1 कप यहाँ पर ब्राउन शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अपने सत्तू के साथ में। ये बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब चलिए इसका लड्डू बनना शुरू करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट ये हो गया है, भुनकर तैयार हो गया है। कंसिस्टेंसी भी लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट है। अगर आप इस मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपका लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। ये देखिए, एक एक लड्डू हम इस तरह से बांध कर तैयार कर लेंगे। कितने आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार हो गया। तरह से थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया से लड्डू हमारे बन जा रहे हैं। बस एक एक करके हम पूरे लड्डू अपने इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे और ये बढ़िया सी स्वादिष्ट गर्मियों के लिए सेहत से भरपूर लड्डू सत्तू का बनकर तैयार हो गया है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। एक बार बनाकर आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। पूरे लड्डुओं को हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। ये लीजिए, सारे लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं।
फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ताकि उन्हें भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहे। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।